सो गाइस आज की शुरू पे हम सीखने वाले सिग्नेचर लोगो क्रिएट करना। तो दोस्तों अगर आपका एक फोटोग्राफी का चैनल है या आप फोटो एडिट करते हो तो कुछ इस तरीके से आपको एक लोगो क्रिएट करना चाहिए। तो दोस्तों को देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर ऑसम दिख रहा है सिग्नेचर टाइप का। और इस टाइप का क्रिएट करने के लिए दोस्तों आप एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, उस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सेल ऐप। तो आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है, वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। और इस फोन को कैसे डाउनलोड करना है और पिक्सेल ऐप में कैसे ऐड करना है वो भी हम सीखने वाले। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉन्ट की डाउनलोड लिंक दी है, उस लिंक को आपको यहाँ पर टैप कर देना है। जैसे उस पर टैप कर दोगे तो कुछ इस तरीके से आपको आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने फोर फॉन्ट यहाँ पर दिए है। तो सबसे पहले एक एक करके इस तरीके से यहाँ पर इस वाले आइकन पर टैप करके इस सभी को यहाँ पर डाउनलोड कर देना है। तो चलिए यहाँ से मैं उसको जल्दी से यहाँ पर टैप कर देता हूँ। और नेक्स्ट करने के लिए इस आइकन पर आपको टैप कर देना है, ये नेक्स्ट फॉन्ट हो जाएगा। तो फिर से उसी आइकन पर टैप करके इस तरीके से यहाँ पर डाउनलोड कर देना है। तो यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर मैं डाउनलोड कर देता हूँ। सभी फॉन्ट को यहाँ पर नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक ऑलरेडी फॉन्ट हो गए तो आपको समझ भी नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं फाइल मैनेजर में। और फाइल मैनेजर में आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से फोन स्टोरेज दिख रहा है उस पर आपको यहाँ पर टैप कर देना है। या आपके फोन में यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज भी इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। और इस पर सिलेक्ट करने के बाद उस पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है डाउनलोड। तो यहाँ पर डाउनलोड सर्च करने के बाद इस तरीके से फोल्डर आ जाएगा, उस पर आपको टच कर देना है। और टच करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर TTF फाइल में इस तरीके से फोर फॉन्ट आ जाएगा। उसके बाद कैसे ऐड करना है तो चलिए पिक्सेल ऐप में चलते। और वहां पर से जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली से यहां पर ए वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। देन उसके बाद यहां से एक ऑप्शन दिखेगा आपको ए बी फॉन्ट का, तो उस पर आपको टैप कर देने का, यहां से चले जाना है माय फॉन्ट ऑप्शन पर। और उसके बाद दोस्तों यहां पर फाइंड वाले आइकन पर टैप करके यहां पर जो आपने फाइल यहां पर लिखी थी डाउनलोड, तो उस फाइल को आपको फाइल में इस तरीके से चले जाना है। सो यहाँ पर मैं जैसे उस पर टैप कर दोगे तो यहाँ पर एक ब्लू कलर में दिखेगा आपको ऐड डायरेक्टली, तो उस आप ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। और देख सकते हो यहाँ पर फोर फॉन्ट यहाँ पर पिक्सेल में ऐड हो चुके हैं। तो कौन सा भी आपको यहाँ पर ऐप सिलेक्ट कर देना। तो चलिए यहाँ से मैं ऊपर वाला जो फॉन्ट दिख रहा है उसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आपको जो भी अच्छा लगा उसे सिलेक्ट कर देना, उसके बाद यहाँ से भी कर देना डन। और बड़ा कर देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर डबल टैप करके अपने जो भी आप नाम लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ से मैं इस नाम को यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से भी कर देना डन। उसके बाद ओके। सो उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी इस तरीके से साइज़ इंक्रीज कर देनी है। और साइज़ इंक्रीज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कोई सा नाम यहाँ पर नहीं कटना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको पेंडिंग में चले जाना है। इस तरीके से आपको पेंडिंग इस तरीके से राइट एंड लेफ्ट वाला पेंडिंग इस तरीके से बड़ा कर देना है। सो उसके बड़े कर देने के बाद यहाँ से भी कर देना डन। उसके बाद दोस्तों इसका कलर चेंज करने इस वाले ऑप्शन पर जाना है। देन यहाँ से कलर आपको ब्लैक कलर इस तरीके से चूज़ कर देना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ पर प्रोफेशनल दिखेगा और आपको क्रिएट करने में थोड़ी आसानी होगी। उसके बाद यहाँ से भी कर देना डन। सो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर फोटोग्राफी नाम ऐड कर देना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ से प्लस वाले आइकन पर टैप करके यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको टच कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डबल टैप करके आपको नीचे यहाँ पर लिख देना है फोटोग्राफी नाम। तो चलिए यहाँ से मैं लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से भी कर देना डन। उसके बाद उस डबल टैप करके इस तरीके से इसको कैपिटल कर देना है, देन यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर से आपको ए वाले ऑप्शन पर जाना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो चलिए यहाँ से मैं इस ए वाले जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको ए बी फॉन्ट का, जो अभी हमने इसमें विजिट किया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक डिफॉल्ट फॉन्ट रहेगा, उसे हम चूज़ करने वाले। वहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, सॉरी यहाँ पर फॉन्ट दिखेगा क्रिएटर राउंड का, तो उस फॉन्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से थोड़ी सी इसकी साइज़ कम करके यहाँ पर आपको सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैमरे का आइकन लाने के लिए यहाँ से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। देन यहाँ से कैमरे वाले आइकन दिख रहा है, उस पर आपको उसके कैमरे के आइकन को यहाँ पर लेके आना है, जो कि PNG की तरह का। और दो चार यहाँ पर मैंने कैमरे की लिंक आपको डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आने के बाद यहाँ पर कर देना है राइट। और उसके बाद दोस्तों चाहो तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो इस कलर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद। सो फिलहाल यहाँ पर मैं आप देख सकते हो इस तरीके से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैं व्हाइट ही कलर यहाँ पर रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से कर देना डन। और उसके बाद दोस्तों ये के बगल में इस तरीके से आपको सेट कर देना है। और देख सकते हो थोड़ी सी इसकी साइज़ कम कर देनी है। और थोड़े से इस नाम को इस तरीके से ऊपर की साइड में लेके आता हूँ। और फोटोग्राफी प्रोफेशनल नहीं दिख रहा है, उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें स्पेसिंग ऐड करते हैं। तो उसके लिए ए वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। देन यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको स्पेसिंग का, उस पर आपको सिलेक्ट करके इस तरीके से आपको 30% इस तरीके से इंक्रीज़ कर देना है। सो अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर प्रोफेशनल दिख रहा है। इस तरीके से थोड़ी सी साइज़ कम करके हम सेट कर देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ऑसम बन रहा है। चाहो तो आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, या आप बैकग्राउंड कलर आपको कलर ब्लैक कलर भी यहाँ पर रहने देते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से थ्री डॉट में आप दिख रहे हो, उस पर आपको प्रेस करके यहाँ से एक साइज दिख रहा है, उस पर आपको टैप करके यहाँ से डिफॉल्ट रहेगा, तो यहाँ से अल्ट्रा करके आप सेव कर सकते हो। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आ गई। वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो मिलते हैं इसी तरह के एडिटिंग की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।